संखारा, ये जो शब्द है या जो वर्ड है संखारा या संखार, ये कोई नया शब्द नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द है। और अगर इसको कहें कि ये पाली भाषा का एक सबसे जानदार शब्द है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सुना होगा, इधर मेरे एक मित्र थे एमएल संखवार, वो बीएसएनएल में थे, तो उनका नाम जब संखवार बोलते थे तो मुझे लगता था कि शंख जो बजाते हैं जिसमें से आवाज़ आती है कुछ उससे संबंधित होगा, बहुत पुरानी बात है। मगर जब संखार का मैंने अध्ययन किया तो मैंने पाया कि वो सारे लोग वही पुराने पाली के, वही पुराने बुद्ध की संस्कृति के लोग हैं जो सारे के सारे संखवाल या संखवार हैं। जहाँ भी आपको शंख दिखाई दे जाए, शंख के साथ में तीन डंडे या तीन लाइन और एक बीच में अगर प्रज्ञा का नेत्र, कोई नेत्र बना हुआ है और साथ में धम्म चक्र भी हो, तो आप समझ जाइए कि ये जगह पुरानी ऐसी जगह है जहाँ पर संखार का अध्ययन या संखारों का अध्ययन या संखारे का अध्ययन कराया जाता है। संखार जो शब्द है उसको बाद के जो संस्कृत भाषा है उसमें संस्कार बोला जाता है। जैसे कहते हैं शंख फूंक दिया, अब शंख का फूंकना क्या होता है? शंख में फूंक मारकर आवाज निकालना शंख का फूंकना नहीं है, बेसिकली अपने जो संखार हैं उनको निकालना, उनको जड़ से खत्म करना, उसका मतलब है शंख को फूंकना। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो संखार होता है या संस्कार होता है वो है क्या। जब भी आप कोई काम करते हैं या कोई चीज़ देखते हैं या कुछ सुनते हैं या कुछ चखते हैं या किसी चीज़ का स्पर्श करते हैं तो उसके जितने भी गुण होते हैं, जैसे आपने चखा तो वो खट्टा है या मीठा है या तीखा है या फीका है, आपने छू के देखा तो मुलायम है, वो सख्त है या दबदबासा है, लिबलिबासा है, या आपने सूंघा तो वो आपको सूंघने में अच्छा लगा, तीखा है या हल्का है या स्मेल वाला है, खुशबू वाला है या बदबू वाला है, आपने देखा तो आपने देखा कि वो दृश्य कितने रंगों का है, कितनी उसकी आकृति है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी गहराई है, या आपने उसको अगर सूंघा तो सूंघने के बाद में आपने देखा, ये जो स्पर्श यानी कि आप जो सब टच करते हैं या देखते हैं या सूंघते हैं या सुनते हैं या चखते हैं, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटलाइज होके, डिजिटल में चेंज होके, वाइब्रेशन में चेंज होके और वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। जो स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं संज्ञा यानी संज्ञा यानी मेमोरी। और जब वो फाइल के साथ में हम अपना एक निर्णय जोड़ देते हैं, एक मन जोड़ देते हैं, या पहले से हम उसमें ये जोड़ देते हैं कि ये अच्छा है या ख़राब है, या ये हमारे लायक है या नहीं, या अच्छा है ना ख़राब है, या ख़राब भी है और अच्छा भी है, दोनों बातें, तीनों बातें जब उसमें हम जोड़ देते हैं तो वो पूरी का पूरा जो सिस्टम या फाइल बनती है उसको संखार बोलते हैं। यानी जो संखार है, संखार वो फाइल होती है शरीर के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन का बंडल या उसका ग्रुप या उसका समूह होता है, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होकर एक साथ होती है जिसका हम एक नाम रख रखते हैं। जानवर इसका नाम नहीं रख पाते मगर वो पहचानते हैं। जैसे खाने का सेब है, एक बार हम सेब को जब हम खाते हैं तो खाने के बाद में उसका नाम सेब रख देते हैं, एप्पल रख देते हैं, और फिर हमें एप्पल के सारे गुणसूत्र उसके नाम से पता चल जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमको ये खाना है या नहीं खाना है। ये हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग निर्भर करता है। ऐसे ही जो जानवर होते हैं, जब वो चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, तो उनकी मेमोरी के अंदर, उनके शरीर के अंदर वो सारी जानकारी स्टोर होती रहती है, उसको संखारा बोलते हैं। जब वो अपना मन जोड़ देते हैं उसमें कि ये चाहिए चाहिए चाहिए, या ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, या चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, तीन बात उसके अंदर होती हैं, तो उसको संखार बोलते हैं। यानी कोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्ट आपने किया है उसका, एक्ट का फॉर्मेशन का कोड, यानी जो एक्ट सारा हुआ है उसका एक नाम बन गया। इसको आप ऐसा समझिए जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल में अगर कोई चीज़ आप स्टोर करते हैं, कोई फ़ोटो खींचते हैं या कोई साउंड रिकॉर्ड करते हैं या कोई फाइल उसमें सेव करते हैं, तो वो कोई नाम मांगती है, उसके बाद में वो अपने गुण के साथ में वहाँ जमा हो जाती है और उस
खाने में चली जाती है, जैसे फोटो वाला फोटो गैलरी में चला जाएगा, जैसे साउंड वाला साउंड गैलरी में चला जाएगा, तो वो सारे वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर आपको सिर्फ उसका नाम टाइप करना होता है और वो निकल के बाहर आ जाती है अपने गुण के साथ में। ये सारे के सारे संकार यानी संस्कार बोलते हैं इनको, और जब इनकी एक चैन बन जाती है तो उसको संखति बोलते हैं या संस्कृति बोलते हैं, यानी लगातार वही बिहेवियर पैटर्न रहेगा तो उसको संस्कृति बोलते हैं या संखति बोलते हैं। ये संखार जो होता है बहुत साधारण होता है। संखार बनता कैसे है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो है जो हम पूरे दिन में जो काम करते हैं और जो काम देखते हैं उसमें पांच चीजें मिलके एक संखार बनाती हैं। पांच चीजें कौन कौन सी हैं? एक है उसके अंदर रूप। अगर आपने नाम रूप वाला वीडियो देखा हो तो आप देख लीजिए, उसमें जो रूप है, रूप बोलते हैं फिजिकल मटेरियल को, यानी कि जो पदार्थ जितने भी अवेलेबल हैं उन सारे पदार्थों को, दुनिया में जितने भी जो भजन रखते हैं, जो जगह घेर घेरते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ रूप में आते हैं। हमारा जो शरीर है वो रूप में आता है, जानवर का शरीर रूप में आता है, पेड़ जो है रूप में आता है, या किताब है, या जमीन है, या पानी है, या आसमान है, ये सब रूप में आते हैं, मटेरियल में आते हैं। और इसमें चार चीज़ जो जुड़ी होती हैं वो होती हैं इसमें मन, यानी मन जो बना होता है वो चार प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है। कैसे बनता है? मन का कोई वजन नहीं होता, मन कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, यानी कि जो रूप होता है उसी में वाइब्रेशन के चेंज से मन बनता है। मन का कोई वजन नहीं होता, कोई आयतन नहीं होता, कोई जगह नहीं घेरता, मन बिल्कुल वाइब्रेशन का सिस्टम होता है, एनर्जी का सिस्टम होता है। कैसे काम करता है? आपने जैसे पहली बार कोई चीज़ देखी, जैसे आपने पहली बार हवाई जहाज़ देखा, अब हवाई जहाज़ आपने आँखों से देखा और उसका जितना दृश्य है वो सारा का सारा आपकी आँखों से डिजिटल फॉर्म में चेंज होगा, यानी कि जो रेज आ रही है लाइट की वो आंखों की रेटिना पे आएंगी और वहाँ से वो डिजिटल कोड में चेंज हो जाएंगी। जब वो डिजिटल कोड में चेंज हो जाती हैं, यानी एनर्जी में बदल जाती हैं, वाइब्रेशन में बदल जाती हैं, फिर वो जाती है मेमोरी के पास में, यानी कि जो हमारी पहले से मेमोरी स्टोर है, मेमोरी में वो मैच करते है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन पहले कभी आपने देखी है या नहीं देखी है। अगर आपने जहाज़ देखा है तो आप फट उसको पहचान लेंगे तुरंत, कह रहे ये तो जहाज़ है, और अगर नहीं देखा है तो कोई आपको बताएगा, कोई पढ़ेगा, या आप उसका एक पिक्चर बना के खाली एक ऐसे ही बिना रैंडम नाम से, क्योंकि नाम आपको पता नहीं है, आप उसको स्टोर कर लेंगे, वो स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद में फिर आप देखेंगे कि वो जहाज़ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। सारे प्रकार के जितने भी कारण और जितनी भी मेमोरी हैं वो मिलके तय करेंगे कि आपको जहाज़ अच्छा लगा या नहीं, उसका रंग अच्छा लगा या नहीं, उसका चाल, उसका धुआं, उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगी या नहीं। उस सारी स्टोरीज, जितनी भी उसमें मेमोरीज होगी, जितनी भी उसके साथ गुण होंगे, वो सारे के सारे स्टोर होंगे और उसके साथ में आपका एक जजमेंट जुड़ जाएगा कि ये अच्छा लगा या ख़राब लगा या ना अच्छा लगा ना ख़राब लगा, इसके साथ ही वो स्टोर हो जाएगी। वो जो स्टोरेज होता है उस पूरे स्टोरेज को बोलते हैं संखारा। अब वो संखारा बन गया, और ये संखारा जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है और बार बार रिपीट करते हैं इसको, तो ये बनता है वियाणा यानी विज्ञान। तो जो ये चार चीज़ हैं जिसके अंदर एक आपका रूप हुआ, जो इसके अंदर पूरा शरीर आता है, और चार चीज़ मन हो गई, मन के अंदर आपने सबसे पहले देखा उसको, देखने के बाद में वो सारा का सारा डिजिटल फॉर्म में होके आपकी मेमोरी में गया, मेमोरी में होने के बाद में वो संखारे में गया, और संखारे के बाद में उसमें फिर वेदनाएं जुड़ जाती हैं। वेदनाएं वो पार्ट होती हैं जो आपको एक्ट करने के लिए संखारा कहता है कि ये आपको चाहिए तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, और आपको नहीं चाहिए तो वो वेदनाएं कैसे आती हैं, और वो गहरे हो जाते हैं तो फिर वियाणा बनता है। ये चार चीज़ के कॉम्बिनेशन से, यानी कि वेदना, संया, संखारा और वियाणा, ये चार का कॉम्बिनेशन होता है, और प्लस रूप, पांचों को मिलके पंच स्कंद बोलते हैं, यानी पांच चीजों का समूह बोलते हैं। इस पांच चीजों के समूह से बनता है पूरा का पूरा संखारा जो आपकी बॉडी में एक्टिवेट होता है। ये दिन में लगातार हजारों बार बनता रहता है, हजारों बार ये बिगड़ता है, यानी ये खत्म भी होता रहता है, ये बनता भी रहता है। जैसे आप मोटरसाइकिल लेके अगर सड़क पर चलाएंगे तो सड़क पर जितने भी दृश्य आपने देखे हैं वो सारे दृश्य
जब आप जहां मोटरसाइकिल रोकेंगे या हैंड टू हैंड, वो खत्म होते रहते हैं, यानी कि वो आपके स्टोर नहीं होते, बहुत ज़्यादा गहरी मेमोरी में नहीं जाते, आपके माइंड में वो छाप नहीं छोड़ते, वो सिर्फ बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, बनते और बिगड़ जाते हैं। मगर अगर कोई खास बात बीच में हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई गड्ढा आ जाए या कोई जगह जानी पहचानी आ जाए जो पहले से आपकी मेमोरी में स्टोर है, तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, या जिसको आप कहेंगे कि ये मुझे याद रखना है, तो वो गहरी मेमोरी में चली जाएगी। दूसरे तरह का जो संखारा होता है, वो होता है जो बर्थ के साथ आता है और पहले से ही हमारे शरीर के अंदर होता है, जानवर में भी और हमारे अंदर भी। उस संखारे को अपना जितना भी कर्म है वो भोगना होता है, यानी जो संखारा कमांड लेके आया है हमारे शरीर में, संखारा कुछ ना कुछ लेके आता है, और उसने जैसा जैसा वो सॉफ्टवेयर लेके आया है और जैसा प्रोग्राम वो लेके आया है, उस प्रोग्राम को वो एक्टिवेट करेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि संखारा जो बर्थ के साथ आता है वो बिना एक्टिवेट हुए ख़त्म हो जाए। संखारे की एक खास बात होती है, इसको पटिच्य समुत्पाद का संखारा बोलते हैं, यानी कि जो पहले से बर्थ के साथ संखारा आता है, बर्थ के साथ में जो कोड आता है, बर्थ के साथ में जो ये बात आती है कि आपको जीवन में किस तरह से व्यवहार करना है, क्या आपका बिहेवियर पैटर्न रहेगा, आपका शरीर कितना बीमार रहेगा, कितना स्वस्थ रहेगा, आपकी वाणी कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, यानी कि ये मन से, काया से और वचन से तीनों प्रकार से एक्ट करता है। इससे छुटकारा नहीं होता, यानी जो बॉडी के साथ में, जो जब हम पैदा होते हैं उसके साथ में जो संखारा बॉडी के अंदर आता है, जो मन बॉडी के अंदर आता है, जब तक वो पूरा एक्ट नहीं होगा, जब तक आप उसे भोग नहीं लेंगे, वो किसी भी हालत में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है, यानी कि वो पुण्य वाला भी संखारा हो सकता है और पाप वाला भी संखारा हो सकता है। तो संखारा अगर पुण्य का है तो आपको जीवन में सुख देगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप बोलेंगे अच्छा, आप सोचेंगे अच्छा, आप बिल्कुल अच्छी तरह से रहेंगे। और संखारा अगर वो पाप कर्मों का है तो आप बीमार रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आपकी वाणी खराब खराब रहेगी, यानी मन से, वचन से और कर्म से आप पूरी तरह से परेशान रहेंगे। ये जो संखारा होता है, ये 52 प्रकार का संखारा होता है, यानी 52 प्रकार से आप बिहेव करते हैं, और 52 प्रकार से बिहेव जो बताए हैं भगवान बुद्ध ने, 128 प्रकार के कारणों से मिलके बनते हैं, यानी सारे जितने भी कारण हैं वो टोटल मिला के 128 कारण हैं, और 128 प्रकार से के कारणों से 52 प्रकार का मन बनता है, यानी 52 प्रकार का संखारा बनता है जो आपके शरीर में एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे, एक माँ के पेट में अगर दो बच्चे हैं और जो बिल्कुल ट्विन हैं, एक से हैं, और दोनों ही मेल या फीमेल हैं, दोनों का रूप रंग एक सा है, सारी बातें उनकी एक सी हैं, मगर उनके व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी जितने भी परिवार के अंदर मनुष्य हैं, बेशक उनके माँ बाप एक से हैं, माँ और बाप सेम हैं, खाना पीना सबका सेम है, मगर अगर परिवार में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 हैं, उन सबका व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होता है, जो उनके बर्थ के संखारे के हिसाब से आगे काम करता है। संखारे खत्म किए जा सकते हैं आपके जीवन में, अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य जीवन में संखारे खत्म हो सकते हैं, जैसे बुद्ध ने किए, जैसे अर्हत लोगों ने किए। संखारे बढ़ भी जाते हैं जैसे जैसे आप एक्ट करेंगे, विपस्सना में आप देखेंगे कि संखारे किस तरह से काम करते हैं और संखारे किस तरह से एक्ट करते हैं और जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। संखारा यानी जो संस्कार होते हैं या बहुत सारे जो संखारे होते हैं, उनका प्रभाव जीवन पे हर समय रहता है। जो संखारा हमारे शरीर में टेम्प्रेरी बनता है, वो ठीक ऐसे होता है जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जब आप रेत पे एक लकीर खींचते हैं, तो वो लकीर समुद्र का पानी आने के बाद या दरिया का पानी आने के बाद, नदी का पानी आने के बाद, रिवर का पानी आने के बाद मिट जाती है, यानी कि वो संखारे बनते हैं और मिट जाते हैं, उनका ज़्यादा गहरा असर नहीं पड़ता है। दूसरे तरह के जो संखारे होते हैं वो लगभग ऐसे होते हैं जैसे आपने पक्की मिट्टी की खेत में बनाए हुए होते हैं, उनको निकलने में, हटने में थोड़ा समय लगता है। और कुछ संखारे ऐसे होते हैं जो पत्थर के ऊपर लकीर के समान होते हैं, जिनको जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा देर से वो जाते हैं, जो परमानेंट जैसे संखारे होते हैं, मगर संखारा कोई भी परमानेंट नहीं होता। जो हमारे सेंसेस से संखारे बनते हैं, यानी कि हम पूरे दिन जो सेंसेस से संखारे बनते हैं, वो सेंसेस के ख़त्म होने के बाद ही अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। जैसे
हमने पूरे दिन के अंदर या महीनों में या सालों में जितने संखारे बनाए हैं, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, जी से या शरीर से, तो ये संखारे हमारे सेंसेस के, हमारे बॉडी से बनाए हुए संखारे होते हैं। ये अगर व्याणा में ना बदलें और गहरे संखारे ना बने तो ये हाथ के हाथ चले जाते हैं। इनमें जो गहरे बन जाते हैं वो भी बाद में निकल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे का लालच है, तो पैसे के लालच का जो संखारा है, जो संस्कार है, वो डे बाय डे वो उसकी प्रैक्टिस करता है, वो रिपीट करता है और वो और ज़्यादा लालची और ग्रीडी होता जाता है। यहाँ तक कि वो पैसे को लेके बेचैन और बीमार भी हो जाता है और डिप्रेशन में भी जाता है, जहाँ उसकी डेथ की फाइल खुल जाती है और वो उसी में चला जाता है। ये संखारा लास्ट में उसके साथ ही जाता है, यानी कि वो जब डेथ होगी तो संखारा यही स्ट्रांग बन के आगे जाएगा। ये जैसे जैसे प्रत्यय समुत्पाद आएगा मैं आगे इसको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। किसी को खाने का संखारा है, किसी को काम करने का ज़्यादा संखारा है, किसी को सोने का संखारा है, किसी को आलस का संखारा है, किसी को बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने का संखारा है, किसी को बेचैनी का संखारा है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी का संखारा है। संखारे हजारों तरह के होते हैं, उनके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, कई कई संखारे मिलकर आपस में संखारे बनाते हैं, मगर ये 52 प्रकार के संखारे अगर किसी के समूह में हैं तो अलग अलग तरह के हैं और 128 प्रकार के तत्वों से यानी कि कारणों से मिलकर बनते हैं। इनके ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, कई कई संखारे मिलकर अलग अलग तरह का व्यवहार बनाते हैं। इसलिए प्रत्यय समुत्पाद व पटिच्च समुत्पाद की ये सेकंड कड़ी है, संखार, संखारा या संखारे, संस्कार या संस्कारे, यानी बहुत सारे संस्कार। ये संखार बहुत इजी है, बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरह से देखते हैं और 24 घंटे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसको समझते हैं। अगर आप देखेंगे जीवन में कि आपको किस तरह का संखारा है तो आपको पता चल जाएगा कि संखारे कैसे काम करते हैं। जैसे आपने खाने का सामान देखा और आपके जीभ में पानी आ गया, इसका मतलब खाने का सामान देखते ही आपका संखारा एक्टिवेट हो गया और उसने एक्ट किया और आपको फलस्वरूप पानी या मुँह में पानी आने का सिग्नल उसने भेजा। धन्यवाद।